हेलो फ्रेंड, तो अभी एक लैपटॉप आया है। लैपटॉप में प्रॉब्लम जो है, चार्जिंग का लाइट ग्लो हो रहा है लेकिन पावर ट्रिगर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बोर्ड का जो कंडीशन है, धूल मिट्टी वगैरह बहुत सारे हैं लेकिन ये ट्रिगर नहीं हो रहा है, टोटली डेड कंडीशन में। तो प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे इसको रिपेयर करें और क्या प्रॉब्लम आए, यहाँ क्या क्या इसको चेक करना चाहिए, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड का पार्ट नंबर देखिए, पार्ट नंबर जो है LAC701P। ठीक है, और बहुत सारे धूल मिट्टी है और लिक्विड डैमेज जो है, यहाँ पे देखो पानी वगैरह कुछ आया था, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पानी वगैरह कुछ आया है, इसी वजह से देख के पता चल रहा है कि इस जो पार्ट है, इस पार्ट में कुछ लिक्विड गया था और इसी वजह से कोई दिक्कत आया होता है। ठीक है, होगा तो। और इसमें बहुत सारे धूल मिट्टी है लेकिन पीछे साइड में देखो पूरा साफ है, कोई भी इसमें धूल मिट्टी नहीं है, लेकिन इसका बैक साइड में बहुत सारे धूल मिट्टी है। और इसका प्रॉब्लम क्या है देखिए, तो अभी देखो इसमें DC को कनेक्ट किया और इसमें वाइट लाइट ही ग्लो कर रहा है। एम्पियर देखिए कुछ अप डाउन हो रहा है, 0.003 या 2 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। लेकिन अगर वोल्टिन सेक्टर में आगे पहले चेक कर रहे तो क्या क्या वोल्टेज आ रहा है, तो अभी 19 वोल्ट का देखेंगे कि 19 वोल्ट कितना वोल्टेज आ रहा है। तो इसका जो PR है यहाँ पे देखो, तो इसमें देखिए 19 वोल्ट आ रहा है। वॉट्स देखिए, इसका PR जो है, इस PR में 19 वोल्ट आ रहा है और इसका 3% तो नहीं बनेगा जब तक ये ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ कुछ मदरबोर्ड में क्या होता है कि जब तक इस बोर्ड में ट्रिगर नहीं होगा तो तब तक ये 3-5 नहीं बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल एक बार दिखा देता हूँ कि इसमें 3-5 नहीं बन रहा है। ठीक है, देखिए ये 3-5 का कॉयल है और ये रैम कॉयल है, तो यहाँ पे देखो कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो ये ट्रिगर होने के बाद ही बनेगा। ठीक है, और इसका प्रॉब्लम जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये ओपन कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये जो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो ये है, ये जो देखिए यहाँ पे ये डायोड है, मुझे लग रहा है ये डायोड डी सिंबल है, ये जो डायोड और जो यहाँ पे एक रजिस्टर है, ये मतलब RTC सेक्शन का है। ठीक है, और टोटल RTC सेक्शन, LAN IC या साउंड IC और RTC सेक्शन में पानी चला गया है। देखिए अभी तक भी कुछ लिक्विड लगा रहा है यहाँ पे देखो। ठीक है, तो इसमें कुछ दिक्कत आया है, इसी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा है और ये जो रजिस्टर है ये भी फटा हुआ है, तो जूम करके पता चलेगा ये जो रजिस्टर है ये फटा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो रजिस्टर है तो थोड़ा डैमेज हुआ है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर, तो ये पानी से जला हुआ है, तो ये भी इसको रिप्लेस करूँगा और फिर चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और फिलहाल के लिए बोर्ड को पूरा साफ़ सुथरा वॉश करेंगे, क्योंकि बोर्ड का कंडीशन भी इतना अच्छा नहीं है अभी, तो पूरा वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद ही रजिस्टर चेक करेंगे और चेंज भी करेंगे। तो नॉर्मली यहाँ पे जो RTC सेक्शन का दिक्कत था तो पूरा मैंने चेंज कर दिया हूँ, और जितने सारे लिक्विड था वो भी क्लीन कर दिया हूँ और अभी ठंडा हो गए। अभी इसको टेस्ट करूँगा प्रैक्टिकली और टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि बोर्ड रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी देखो बोर्ड पूरा बन गया है, अभी इसको बोर्ड लगा है, लाइट भी ग्लो आ रहा है और बोर्ड पूरा ऑन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कीबोर्ड में भी डिस्प्ले आ जाना चाहिए था, ये देखिए आ गया है डिस्प्ले। ठीक है, ये देखिए लाइट ग्लो हो गया, तो बोर्ड में डिस्प्ले ऑलरेडी आ गया है। और अभी एक बार लैपटॉप में फिट करेंगे, डिस्प्ले भी लेकर के एक बार आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, लैपटॉप पूरा ऑन हो गया है,
और यहाँ पे वर्क भी कर रहा है। तो वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर। गुड बाय। जय हिंद।